देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के चानन प्रखंड से है। चानन प्रखंड के सगरामपुर पंचायत के एल केबिन नहर से लेकर मननपुर बाजार तक जाने वाला रोड का सभी जनता और जनप्रतिनिधियों ने सोमवार को बहिष्कार किया। बहिष्कार का मुख्य कारण लोगों की मांग थी कि सड़क का नया निर्माण किया जाए, लेकिन उस सड़क का निर्माण DPR स्क्रूटनी अधिकारी और अन्य अधिकारियों के द्वारा मटेरियल को डालकर किया जा रहा है। रोड जो बनना चाहिए वो रोड सही से नहीं बन पा रहा है, इसलिए इसका खुलेआम विरोध हो रहा है। विरोध होने के कारण सोमवार को रोड का काम बंद करवा दिया गया। आम जनता और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि रोड जो बन रहा है वह नाले से ऊपर सड़क होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बन पा रहा है। इसको करवाने वाले जैसे तैसे काम करके ठेकेदार अपना काम निकालना चाहता है, वहीं हम लोगों को ठेकेदार और अधिकारियों के द्वारा ठगा जा रहा है। बारिश के मौसम में जल जमाव की स्थिति अभी भी बना हुआ रहता है और आने वाला बारिश के मौसम के दिनों में भी बनी रहेगी। आखिर यह कैसा सड़क होगा? लखीसराय जिले के चानन से सुजीत कुमार संघ श्रवण कुमार की रिपोर्ट। भीड़ जो इकट्ठा हुई है ये किस वजह से हुआ है और क्यों हंगामा हो रहा है? ये भीड़ आज तो कम दिखाई दे रहा है। अगर इस रोड को बनने में अगर कोताही बरता गया तो इससे भी ज़्यादा जनसैलाब निकलेगा हमारे पंचायत से, क्योंकि आज सुबह से ही हम लोग इकट्ठा है कि इस रोड को बनने नहीं देंगे, क्योंकि जो हालत है रोड बनने का स्थिति है, केवल उसी को रोड को कोड़ करके खान करके उसके उसी का मेटल बिछा दिया जा रहा है और उसी पर एक बारूदी धुआं जैसा सुर बिछाया जा रहा है पाउडर डस्ट को, और उस पर पिचिंग करेंगे और PCC करेंगे। इसलिए हम स्कूटी महोदय से या जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस रोड का संज्ञान लेकर के इस रोड को नाली से नीचे बनाया जा रहा है उसको उससे ऊपर भी करना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं हो रहा। इसको हम लोग बेजान रोड बन रहा है जो एक बरसात झेलना मुश्किल है। इसलिए मैं ठेकेदार पेटी काउंटर से आग्रह करता हूं कि इसको पुनः रोक करके दोबारा इस पर DPR बना करके इस पर काम किया जाए। आपका शुभ नाम? निरंजन पासवान, संग्रामपुर पंचायत समिति सदस्य। इस रोड के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम इस रोड के बारे में सबसे पहले जेई साहब से मिलना चाहते हैं, जो जिन्होंने ये एस्टिमेट को बनाया है, समझ गए ना? हाँ। और उसके बाद ये जो पहले नाला बना और बाद में रोड बन रहा है, तो नाला ऊंचा है और रोड नीचा है, तो अब जो है पानी अब की बरसात में उधर नहीं मुस्लिम मोहल्ला नहीं जा करके इस मोहल्ले के अंदर जाएगा, इस गली के अंदर जाएगा, तो फिर झाक का तीन पात हुआ ही। मतलब रोड का पानी जो है कि नाला में नहीं जाकर नहीं जा करके वो घर में घुसेगा। और ये हाँ, ये जो हम लोग के जैसे औरत लोग गोबर ठोकती है ना और चेपी मारता है, वैसे ये रोड चेपी मार के बन रहा है। मैंने खाना पूर्ति ये चुनावी लाली पॉप दिखा रहे हैं हम लोग को नेता लोग, और ये सब हम लोग लाली पॉप देखना नहीं चाहते हैं और ये रोड बनने नहीं देंगे किसी सूरत पर। रोड न्यू चाहिए, रिपेयरिंग का बात नहीं था। ये 10 पंचायत का रीढ़ का हड्डी है, समझ गए ना? आवागमन है और आकर के जो इस्टीमेट बनाए हैं उनको हम दिखाना चाहते हैं कि कितने पढ़ लिख करके आप इस्टीमेट को बनाए हैं। और ख़ास करके हम जेई साहब से मिलना चाहते हैं हर हाल में, जिन्होंने संग्रामपुर पंचायत के रोड का इस्टीमेट ये बनाए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र साहू, संग्रामपुर पैक्स अध्यक्ष। धन्यवाद। लोग जो जमा हुए हैं किस वजह से जमा हुए और क्यों मतलब ये हंगामा हो रहा है? ये रोड अभी जो है बनना चालू हुआ है, इसमें जो है बहुत जगह ऐसा है कि जो है नाली ऊपर बन चुका है, इसको कि बराबर करके बनाना जो है बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बरसात के दिनों में यहाँ पानी फिर से जो है जमा रहने की संभावना है, जिससे कि रोड जो है रोड का लाइफ नहीं रह पाएगा। आज ये रोड में जो है लगभग 25 साल बाद काम चालू हुआ है, बहुत अथक प्रयास के बाद, बहुत दिन से इंतजार करते करते रोड बनना चालू हुआ है, पर वही भाग का तीन पार्ट लोग इसको जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है मेंटेनेंस में डाल दिया गया है। इस रोड का फुल मरम्मती का जरूरत था, आज मेंटेनेंस के नाम पर इस पर जो है काम किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण में जो है बहुत जो है आक्रोश फैला हुआ है, लोग जो है काम को रोक रहे हैं। आज हम लोग इसके लिए हमने जो है जिलाधिकारी को भी जो है खबर किए हैं और ग्रामीण पिटीशन भी किया है, और आज हम लोग काम को जो है यहाँ पर ग्रामीण जो है रोक रहे हैं,
प्रशासन को यहाँ बुलाने का मांग कर रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग यहाँ काम जो है आगे जो है चालू करने के लिए। मतलब ये एस्टिमेट बनना चाहिए था, रिपेयरिंग का नहीं बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था फुल न्यू बनना चाहिए था। यही मांग है। इसका जो DPR बनाया गया हवा हवाई में बना दिया गया है सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए। हमको खाना पूर्ति नहीं चाहिए, हमको यहाँ जमीनी स्तर पर काम चाहिए। खाना पूर्ति करने वाले तो बहुत आते हैं जाते हैं, हम लोग अपने से भी खाना पूर्ति कर सकते थे, पर हमको ये रोड ये मुख्य सड़क जो है मेन रोड से जो है लिंक किया हुआ है ब्लॉक का, जिससे कि दसों पंचायत का आवागमन इसी से होता है। पर जो है जो काम का जो दशा है इसी को पत्थर को उखाड़ करके इसी पे बैठा करके जो है ढलैया करने के चक्कर में लगे हुए हैं कॉन्ट्रेक्टर, जो कि यहाँ के ग्रामीण को नागवार गुजर रहा है। आज जो है काम को रोक दिया गया है यहाँ पर। आपका शुभ नाम सर? दीपक सिंह मुखिया, संग्रामपुर।